नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। मकर संक्रांति को स्नान दान और ध्यान के त्योहार के रूप में देखा जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का प्रवेश क्योंकि सोमवार की शाम में ही मकर राशि में हो रहा है, इसलिए ये मकर संक्रांति ध्वांशी संक्रांति कहलाएगी। इस दिन गुड़ तिल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और भगवान सूर्य को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इस संक्रांति में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसे में देश में कुछ विशेष स्थान हैं जहां जाकर आप स्नान करें और पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो पवित्र स्थान। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा नदी का सागर से संगम होता है। बताया जाता है कि गंगा सागर में एक बार डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। संक्रांति पर हजारों भक्त जन यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप प्रयाग में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाआयोजन का प्रथम शाही स्नान 14 जनवरी को होगा। इस दिन कुंभ में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करने से कुंभ स्नान का पूर्ण फल मिलता है। हरिद्वार हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा स्नान करने से कई जन्मों के पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है, इसलिए गंगा द्वार भी कहा जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त मकर संक्रांति पर यहां स्नान करने के लिए आते हैं। ऋषिकेश में भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा स्नान का बहुत महत्व है। इस दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हिमाचल की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बनाती है। हिंदू सभ्यता के लिए विश्व विख्यात काशी नगरी संसार के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में मकर संक्रांति के दिन लाखों भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है, जिसका भोग लगाया जाता है। बिहार के सुल्तानगंज में मकर संक्रांति पर हर साल लाखों की संख्या में देश व विदेश से गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं। बताया जाता है कि यहां स्नान करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति पर यहां मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह इन 6 स्थानों पर आप मकर संक्रांति पर स्नान कर सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।